अभी इस वक्त मैं एक शॉप में हूँ जिसका नाम है अमरावती नेचुरल्स। यहाँ पर ऐसी सब्जियाँ मिलती है जो पूरी तरह से नेचुरल तरीके से उगाई जाती है, किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर है जो पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। आइए इस शॉप के संचालक श्री अभिजीत देशमुख से बात करते हैं। मैं 2014 से जहर मुक्त खेती कर रहा हूँ और हमारा मिशन अमरावती नेचुरल के अंतर्गत ये है कि जहर मुक्त खेती करना और जहर मुक्त अन्न प्रदान करना, यानी अन्न से ही अपन औषधि प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जहर मुक्त अन्न अगर मिला तो मेरा दावा है कि लोगों में जो समस्या बढ़ रही है, जो बीमारी की जो परिस्थिति कोरोना की हुई है, उसके लिए भी जिम्मेदार प्राकृतिक से अपन अबाधित रह रहे वो ही मुख्य है। इसी कारण 2014 से हमने जहर मुक्त खेती करना स्टार्ट किया, शुरुआत की। इसमें कोई भी कीटनाशक, अपायकारक कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ देशी गई से बना हुआ जो जीवामृत रहता है, गोबर गोमूत्र उसमें डाल के हम सभी तरह के पोषण तत्व पेड़ पौधे को देते हैं और उससे जो उपज निकलती है वो उसमें पोषण मूल्य तत्व खाने के बाद आपको नजर आता है। बेसिकली शुरुआत तो हमने जहर मुक्त तुअर दाल से की थी। सिर्फ तुअर दाल हम 2 साल बेचते थे, लेकिन ग्राहकों का कहना यही था कि जहर मुक्त तुअर दाल खा के बाकी तो सब्जी फल ये तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने धीरे धीरे फिर उस टाइप के मिलेट्स जो बोलते हैं, इसका जो बाय प्रोडक्ट अभी मिलेट्स नूडल्स में भी हमने शुरुआत की है। उसके बाद में जो सफ़ेद शक्कर रहती है ये मोलेसेस फार्म वाला ब्राउन कलर का मोलेसेस फार्म वाला नेचुरल शुगर है। अच्छा। इसमें मेनली सभी तरह मिनरल्स मौजूद रहता है। अच्छा। हालांकि जो सफ़ेद शक्कर रहती है उसमें केमिकल ज़्यादा रहता है। अच्छा। सल्फर रहता है। इसके बाद में हमने जो देसी वेराइटी गेहूं का जो है बंसी, उससे बनाए हुए ये बोटोड़े बोलती है, प्राकृतिक तरीके से बनाई हुई 3 प्रकार की हल्दी है। अच्छा। एक्चुअली हल्दी का मुख्य घटक होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन का परसेंटेज जितना ज़्यादा उतना वो अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो इसमें 4+ यानी अबव 4 कुरकुमिन रहता है। अलसी, ये मूंग है। बाद में चावल में हमारे पास करीब करीब 16 प्रकार के चावल है। अच्छा, 16 प्रकार के। इसमें ये रेड कलर का चावल नवारा करके जो वेराइटी है, उसके बाद में ब्लैक कलर का जो आता है, काले कलर का चावल, जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ऑन्कोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि कैंसर प्रतिबंधन के लिए जो भी तत्व लगते हैं उसमें मौजूद है करके, एंथ्रोस्केलोसिस नाम का घटक रहता है ये चावल में। ये रेड राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया, उसके बाद में ब्राउन राइस है, ये ब्राउन राइस है। अच्छा। इसमें 2 वेराइटी हमारे पास मौजूद है, जय श्री राम करके एक वेराइटी और दूसरा एक चिन्नौर का जो वेराइटी। अच्छा। तो ये भी हमारा चावल का जो किसान ग्रुप है, ये भंडारा जिले में स्थित आकोट करके नाम है, इसमें हमारे 6 किसान भाई है। अच्छा। जो करीब करीब मुझे 6 साल से विष मुक्त चावल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और इस बार हमने आंबेमोर चावल भी दिया था। अच्छा। जिसका सुगंध लुप्त तो हो रहा जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ का जो नेचुरल फार्मिंग का जो चावल था उसका जो एरोमा बोलते हैं यानी स्वाद बोलते हैं वो गजब का था। जिन्होंने लिया उन्होंने फिर से डिमांड किया और जल्दी 800 kg खत्म हो गया। ये इंद्रायणी ब्राउन है। अच्छा। यानी हाथसड़ी बोलते। अच्छा। गेहूँ में भी हमारे पास करीब करीब 8 प्रकार की वेराइटीज़ थी। इसमें काला गेहूँ बोलते, काला गेहूँ इसी साल हमें प्रदान हुआ है। उसके बाद में हमारे पास देसी वेराइटी में खपली गेहूँ, बंसी गेहूँ, उसके बाद में जो नॉर्मली मार्केट में जो चलते हैं नर्मदा, शरबती और अजीत की 2-3 वेराइटीज़ जो थी। इस प्रकार के 6 प्रकार की गेहूँ हमारे काले गेहूँ की क्या खासियत है?
इसमें देखिए अभी काले गेहूँ जो है, जैसे काले चावल में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण ज़्यादा होता है, वैसे ही काले गेहूँ में भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण ज़्यादा होता है। एंथ्रोस्क्लेरोसिस नाम का घटक होता है और इसमें आयन आयन ज़्यादा होता है, तो औषधि गुणधर्म से देखा जाए तो ये बहुत ही मायने रखता है। हैदराबाद की गौशाला है गोपाल भाई सुतारी जी की, बंसी गिर गौशाला, जो भारत की नंबर वन गौशाला है गिर गाय का जो उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने साबुन बनाया है, ये भी एक्चुअली बाहर का जो साबुन होता है उसमें एनिमल फैट यूज़ किया जाता है, तो इसमें उन्होंने देसी गाय गिर का सूप यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, बाहर जो मॉस्किटो रिपेलेंट आता है उसमें प्योरली पेस्टिसाइड होता है, और आज जो सांस लेने की तकलीफ जो बढ़ रही उसका मुख्य कारण यही है, तो इसमें नेचुरल तरीके से इसमें लवंग तेल, उसके बाद में सिट्रोनिला, अच्छा, उसके बाद में इसेंशियल ऑयल यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और नीम का तेल यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली नाचनी है, अच्छा नाचनी, रागी, अच्छा रागी है, उसके बाद में मशरूम के कुछ प्रोडक्ट है, मशरूम पापड़ है। अच्छा, मशरूम के पापड़, मशरूम पापड़, ड्राई मशरूम सोलर ड्रायर में ड्राई किया हुआ, उसके बाद में ड्राई मशरूम सूप है, उड़ाता है। अच्छा, शरद बुनाटिक जो है करीब करीब 12 साल से प्राकृतिक खेती करते हैं। अच्छा, और इनका इलायची जायफल का गुड़ रहता है, और ये स्टिकर पे लिख के देते हैं कि इनका गुड़ दूध में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटल विषमुक्त जहरमुक्त है। अच्छा, नेचुरल तरीके से इसको पूरा तैयार किया जाता है। मावली गुड़ पाउडर, अच्छा, इनका भी करीब करीब 20 साल से प्राकृतिक खेती करते हैं, वनी के सतीश भू पिंपड़े करके। अच्छा, इनका गुड़ भी आता है विलायची जायफल वाला और प्लेन, ये भी आप गुड़ दूध में भी मिला सकते हैं, चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलसी जिसको बोलते हैं, ये अलसी का तेल है। अच्छा, और ये नारियल का तेल, ये भी कोल्ड प्रेस है, सब कोल्ड प्रेस। अच्छा, ये खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सर को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें दो बार सब्जी रहती है। अच्छा, कब कब रहती है? ये गुरुवार और रविवार को। अच्छा, और टाइमिंग सुबह का? सुबह टाइमिंग 8 से लेकर 11 बजे का रहता है। अच्छा, लेकिन पहले दिन ही लोग बुक कर लेते हैं। अच्छा, और सब्जी 9 बजे ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, होम डिलीवरी वगैरह भी है क्या? हाँ, इसमें अभी रविवार को हम होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, और प्री बुकिंग रहता है, पहले दिन जो कस्टमर है उनको कौन कौन सी सब्जी अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, उसका कंटेंट भेजा जाता है, और लोग पहले दिन ही कितना क्वांटिटी होना वो बुक करके रख देते हैं। कोई लोग दुकान से लेके जाते हैं, कोई लोग घर पे भी मंगवाते हैं। अच्छा, रेट फिक्स है या चेंज होते रहते हैं? नहीं, साल भर के लिए हमने रेट फिक्स रखा हुआ है। अच्छा, सभी सब्जी का रेट 60 रुपये किलो का रखा हुआ है। अच्छा, मतलब किसान को जो रेट मिल रहा है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आप? हाँ, ऐसा मेनली प्रॉब्लम एक ही है, जब मार्केट में प्रोड्यूस बढ़ता है तो किसान को उसका मूल्य मिलता नहीं है। अभी इसमें कैसा है, किसान को हमने साल भर के लिए टाइप करके रखा है, उधर मार्केट में 10 रुपये किलो भी सब्जी रही तो भी हम किसान से 40 रुपये किलो से ही खरीदते हैं, यानी मिनिमम प्राइस 40 रुपये रखा हुआ है, 40 से हम खरीदते हैं और कस्टमर को हम 60 रुपये में देते हैं, और ये साल भर के लिए फिक्स रहता है। बाजार के सब्जियाँ और नेचुरल के सब्जियाँ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बाजार के सब्जियाँ वो केमिकल और ये मिक्स करके ही दिन भर बेचते हैं और दिन भर ताज़ी रहती है, जैसे कि यूरिया के पानी में अगर पालक डाल दिया तो दिन भर ताज़ा दिखेगा, बहुत ये दिखेगा, हरा दिखेगा। टोटल केमिकल मिलता है, पेस्टिसाइड मिलता है, यहाँ पेस्टिसाइड नहीं रहता है, ऑर्गेनिक सब्जी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, पेस्टिसाइड खाना बोले तो जहर ही खाना है। ये सब्जी में जो हम लेके जाते हैं इसमें टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और इसके जो केमिकल्स है वो नहीं रहते हैं, और जो भी बाकी सब्जियों से जो प्रॉब्लम आती थी, जैसे एसिडिटी हो गया और कुछ केमिकल की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, वो यहाँ के सब्जी में बहुत दिन से हम यूज़ कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ ऐसे सब्जी खाने से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा, ये गारंटीड है, 100% सेंद्रीय है,
इसलिए प्रीफर करते हैं। दो पैसे ज़्यादा गए तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ लेंगे।